नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। वैसे तो ये मेरा पहला ही मौका होगा जो इतने बड़े मंच में मैं आके कुछ अपने अंदर का, जिस तरह के मुझ में भी कलाकार है, और इसके पहले मैं बस छोटे छोटे दोस्तों के बीच महफिल में पेश करता रहा हूँ, लिखता हूँ थोड़ी बहुत शायरी कहें या कविता कहें जो भी, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और हम यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग के लिए एमएलए हॉस्टल में आए तो इत्तेफाक से ऐसे ही निकल गया, और मेरे जो अधिकारी वर्ग है दोस्त लोग शिक्षा विभाग के, मिस्टर तुषार आठवले और शरद चंद्र शर्मा जी, इनके कहने की वजह से मैं ऐसे ही निकल आया और उन्होंने मुझे, तो ठीक है मैं पेश करता हूँ। थोड़ा अगर गलती हो जाए तो समझ लीजिएगा क्योंकि अभी नया नया लिखने लगा हूँ। अब पेशे से डॉक्टर हूँ तो वहीं से शुरुआत करता हूँ। खासियत का तो पता नहीं पर हर मर्ज मेरे लिए खास होता है। हुनर खास किस्म का यही है मेरा कि हर तरीकों में एहसास होता है। मेरे यहाँ किसी पे दवाओं से तो किसी पर दुआओं से भी इलाज होता है। और चूंकि शायरी कविता हो और नया नया शायर अगर लिखने लगे तो पहले तो इश्क मोहब्बत से ही चालू करता है, दुनियादारी की शायद शुरुआत वहीं से होती है, उसी पर लिखा हुआ है। रजामंदी औरों से फकत फिजूल है जब तुझे मैं और मुझे तू कबूल है। रजामंदी औरों से फकत फिजूल है जब मुझे तू और तुझे मैं कबूल है। राहें आसान नहीं होती है मोहब्बत की, आठवले जी सुनिए, राह आसान नहीं होती है मोहब्बत की, राहों में बिछाए जाते कांटे बबूल है। राहों में बिछाए जाते कांटे बबूल है। अब जमाना क्या कहता है इस पर भी देखिए। कहता है जमाना जोड़िया रब बनाता है, उसी जमाने के आगे इश्क मुश्किल होता है। सफर सुहाना होता है सिर्फ ख्वाबों में। हकीकत में कहां हर एक इश्क मुकम्मल होता है। अभी इश्क हमें भी हुआ, उस पर भी हमने दो चार लाइनें लिखी है। शायद यहाँ पे बैठे नौजवान से लेकर वरिष्ठ लोगों तक सभी ने इश्क किया होगा या अभी भी करते हैं, तो उनकी ही एहसास समझो मैं अपने शब्दों के द्वारा कहना चाहता हूँ। हरकतें मेरी तू भी समझ लेती है, हरकतें तेरी मैं भी पढ़ लेता हूँ। चेहरा कभी तू छुपा लेती है, नजरें कभी मैं चुरा लेता हूँ। और तुझे लगता है कि मैं नादान हूँ, और मुझे लगता है कि तू नादान है। इरादों से तेरे भी लगता है मंजिले मोहब्बत को पाना है। पर ना कभी तू कदम बढ़ाती है और ना कभी मैं कदम बढ़ाता। और तुम्हें लगता है कि रास्ते से उस मैं अनजान हूँ, और मुझे लगता है कि तुम अनजान हो। पलके कभी तू झुका लेती है मुस्कुरा कभी मैं देता हूँ। सपने कभी तू बुन लेती है ख्वाब कभी मैं सजा लेता हूँ। और तुम्हें लगता है कि तन्हाई से तू परेशान है, और मुझे लगता है कि तन्हाई से मैं परेशान हूँ। तो इस तरह से थोड़ी बहुत कोशिश की है, इसलिए इस पर एक अंतिम कहना चाहता हूँ।
तीरे निशान लगता है कभी कभी, तीरे निशान मेरा भी लगता है कभी कभी, लेकिन अब तक अर्जुन सा तजुर्बा नहीं। तीरे निशान लगता है कभी कभी मेरा भी, पर अब तक अर्जुन सा तजुर्बा नहीं। लिखना सीखा है मैंने अभी अभी, लिखना सीखा है मैंने अभी अभी, अभी तो बस, अभी तो बस चेला हूँ उस्ताद मिर्जा नहीं, अभी तो बस चेला हूँ उस्ताद मिर्जा नहीं। शुक्रिया। डॉक्टर धर्मपाल जी, क्या बात है, बहुत सुंदर ये कविताएं आपने लिखी है सर, बहुत सुंदर लिखावट है आपकी, बहुत सुंदर लिखा। और ये जो मंच है, ऐसी विविध कलाओं का प्रस्तुतिकरण के लिए ही बनाया गया मंच है, और मैं मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि अलग अलग विधाओं में, एक खुशी की बात यह है सर कि बहू मोहिनी अट्टम इस मंच पर प्रस्तुत कर रही है बहू, और नेक्स्ट मंथ में जब हम यही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तब उनकी सासू माँ मोहिनी अट्टम उसी मंच पर प्रस्तुत करती है। दोनों की कहानियां बिल्कुल एक जैसी कि शादी के पहले मोहिनी अट्टम इस नृत्य कौशल में उन्हें महारत हासिल थी, कई पुरस्कार उन्होंने जीते थे, लेकिन शादी होने के बाद घर गृहस्थी में जब वो व्यस्त हो गई तब अपने इस नृत्य से काफी दूर हो गई, और जब बच्चों की सारी जिम्मेदारियों से वो फारिग हो गई, बच्चे बड़े हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए, उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये इस तरह का मंच है, यहाँ वो अपनी प्रस्तुति रख सकते हैं, तो वहां पर उस बहू ने मोहिनी अट्टम का पहले ही बार में इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, और बहू की प्रस्तुति को देखकर वही उसी तरह की कंडीशन उनके सासू माँ के लिए थी। अगले महीने उन्होंने यहाँ आकर मोहिनी अट्टम प्रस्तुत किया सर, रोंगटे खड़े कर देने वाला उनका परफॉर्मेंस था, और इसीलिए ये मंच पिछले 5 सालों से अपने खुमार पर है, आप इस तरह की प्रतिभाओं की खोज में है। सर आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत सुंदर आपने इस कविता का पठन किया। सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं, सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं, छुपा कर अपने गमों को खुशी की बात किया करते हैं, सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं, उनके लिए डेडिकेट किया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद स्नेहल डोंगरे, सोनाली डोंगरे, मैं इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे अपना परिचय दे के